हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जिन फ्रेंड्स को सीटेट का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इनको सॉल्व कीजिए। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसे आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं कौन? कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर या उपरोक्त सभी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ ही अगर 30 क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने 20 या 22 क्वेश्चंस भी अगर आपके सही हो जाते हैं और रॉन्ग नहीं होते हैं तो आप मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा कमांड हो जाता है, क्योंकि अगर जिनका 25 प्लस जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन 22 तक भी बहुत ठीक माना जाएगा। तो आप बताइए पहले क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या होगा, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कशन भी करते चलेंगे ताकि कम्प्लीटली आप इसे समझ पाएं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान हम बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, उनकी उपलब्धि द्वारा कर सकते हैं, और मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है, उक्त कथन है, यह कथन किसका है? और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको यूपी टेट, सी टेट, जो सुपर टेट, जितने भी पैटर्न होते हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस होता है उसके लिए ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सही आंसर होगा वो होगा हीली का, मतलब एक बार समझ लीजिए इसको, वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वह अपराधी कहलाता है, यह कथन हीली का है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं? अपंग, बधिर, बहरे या स्वस्थ। तो जाहिर सी बात है आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, बहुत इजी सा है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्वस्थ बालक होंगे वो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है, वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव या उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण होता है आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, उक्त कथन है, यह कथन है किस पर है? बताइए, अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां, सुप्त अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुप्त अधिगम, क्योंकि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, तो वो बच्चा सुनकर उसकी उसका अधिगम कर रहा होता है कि कौन सी क्रिया उसे करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर ये सेव कर दिया जाता है कि आपने इस तरह की एक्टिविटीज को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो अधिगम की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम या सामूहिक अधिगम या उपर्युक्त सभी। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अधिगम की विधियां अवलोकन विधि भी है, करके सीखना भी है, और सुप्त अधिगम सामूहिक विधि भी है, और उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। आप लोग भी आंसर दीजिए और बताइए कि आपने स्कोर कितना गेन किया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम है एक सिक्के के दो पहलू, शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। शिक्षण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिए इसको कौन सा क्वेश्चन है इसका। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है, तो चार ऑप्शन है इसमें, आप लोग मुझे आंसर बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। देखिए जो सूझ का सिद्धांत है यह बल देता है कि समय पर सीखना हो, इस पर अधिक बल देता है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, बंदर पर, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर या बिल्ली पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चिंपैंजी पर। जो सीखने के सूझ का सिद्धांत है, इसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये कोल्हर कोफ का वर्गाइमर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिक कारण या विद्यालय के वातावरण के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत कारण। जो शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या इनमें से सभी? तो जो 11 है इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब सभी इसमें प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलिकता, क्योंकि इसमें पूछा है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो मौलिकता जो होती है ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं मनोनाटकीय विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि या इनमें से सभी? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोनाटकीय विधि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, साहस की उपलब्धि ये तो है, अत्यधिक जिज्ञासु ये भी है, परिश्रमी ये भी है, लेकिन सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मंद बुद्धि विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमान्यता को रोकना या इनमें से सभी? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए, अहमानता को रोकना होना चाहिए और अवसर की समानता होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से है, उक्त कथन किसका है, ट्रो का, रुचि का, गिलफोर्ड का या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से है, उक्त कथन है रुचि का। अगला क्वेश्चन देखिए, 17, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त कथन है स्किनर का, डॉक्टर एस चौहान का, पॉल सेनिक का या वुडवर्थ का? तो 17 का सही आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस चौहान का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए? शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, परिवार को जिससे बालक आता है उसको देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन वह सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की विकल्प चुनने एवं समायोजन प्राप्त करने तथा समस्या हल करने के लिए दी जाती है। उक्त कथन है जोन्स का, जेम्स का, गिलफोर्ड का या फ्रायड का? तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जोन्स का। जोन्स इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थिति होती है वह सीखने पर प्रभाव डालती है। कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थिति होती है वह सीखने पर प्रभाव डालती है। उक्त कथन है डोवार्ड का, बोवार्ड का, वर्ड का या वर्ड का? तो अब इसका जो 20 है, 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। उक्त कथन है बुटवर्थ का, क्रोवा, क्रो का, ट्रो का या फ्रॉयड का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोवा, क्रो का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो विधि काम में ली जाती है वो होती है मनोनाटकीय विधि, समाजनाटकीय विधि, अनैदेशिक विधि, मतलब कि इनमें से सभी विधियां इसकी अंतर्गत काम में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है क्या होती है? सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, सृजनात्मक बालक आलस युक्त होते हैं, तो सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपको बताना है सृजनात्मक बालक की प्रकृति क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर प्रयास करते रहते हैं, उन्मुख रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा या इनमें से सभी? तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। उक्त कथन है क्रोवा, क्रो का, किक का, ट्रिक का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किक का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आते हैं वेश्यालय, शराब खाना, जुआ घर या इनमें से सभी? तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि बाल अपराध के ये सभी कारण होते हैं, इसलिए ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ मनोविश्लेषण की बात आती है वहां पर आप आंख बंद करके जो ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रॉयड एंड एडलर, इसका आप आंसर आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं फ्रायड यूंग व एडलर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? पीटेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है या उपर्युक्त सभी? तो 28 का सही आंसर होता है ऑप्शन सी। यदि बालक में यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। गंभीर मंदी मंदित मना वाले बालकों की शिक्षा लब्धि होती है तो कैसी होती है? 52 से 37, 50 से 42, 19 से कम या 50 से 69। तो इसमें गंभीर मंदित मना वाले बात इन्होंने पूछी है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 19 से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है, स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या इनमें से सभी? तो 30 का देखिए, पिछड़े बालक की समस्या, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्कूल संबंधी समस्याएं संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, इनमें से सभी समस्याएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे, ये आपके मॉक टेस्ट है और इसमें आप बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। और हमारे सभी आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।